हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया C12 फ़ोन है, तो नोकिया C12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट स्पीड है, तो हॉटस्पॉट स्पीड को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे आप हॉटस्पॉट स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि हॉटस्पॉट स्पीड इंक्रीज़ कैसे करें नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट स्पीड है, तो हॉटस्पॉट स्पीड को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं नोकिया C12 फ़ोन में। तो सिंपली आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सर्च करना है। तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको जाना है हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग पे। तो हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स को ओपन करना है, जहाँ से आप हॉटस्पॉट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आपको एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शंस को ऑन करना है, जिससे हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी। जब आप हॉटस्पॉट चलाते हैं तो उसमें हमारी इंटरनेट स्पीड थोड़ी फास्ट तरीके से शो करेगी। तो इस तरीके से भी हॉटस्पॉट की स्पीड को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं फ़ोन सेटिंग्स पर जाकर नोकिया फ़ोन में। और सिंपली आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। इस तरीके से एक्सटेंड आपको सर्च करना है, कंपैटिबिलिटी ऑप्शन सर्च कर देना, जिससे आप इसको ऑफ़ करते हैं तो हॉटस्पॉट स्पीड आपके फ़ोन में इंक्रीज़ नहीं होगी, और जब आप इसको ऑन कर दोगे तो इसके ज़रिए भी हॉटस्पॉट की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो इसका यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप हॉटस्पॉट को भी ऑन कर सकते हैं, जिससे हॉटस्पॉट नेटवर्क को किसी दूसरे डिवाइसेस में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हॉटस्पॉट स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं नोकिया C12 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।